गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास का ज्योग्राफी का चैप्टर 7 पढ़ेंगे, लाइफ लाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। और इससे पहले हमने 6th चैप्टर पढ़ा था, विनिर्माण उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो उसमें हमने पढ़ा था किस प्रकार उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। तो देखिए बच्चों, जब फैक्ट्रियों में उत्पादन होता है या खेत में उत्पादन होता है और उसको जो सामान है पहुंचाने का काम किसके द्वारा किया जाता है, जो यातायात के साधन होते हैं। तो इस चैप्टर में हम यातायात और संचार के बारे में पढ़ेंगे, जो यातायात के या परिवहन के साधन है और संचार के साधन है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। और अब यातायात जो है के साधन है उनका बहुत ही ज़्यादा महत्व है हमारे जीवन में। पहले ज़माने में यातायात के बहुत तीव्रगामी साधन नहीं थे, जानवरों के द्वारा जो है जानवरों को इस्तेमाल किया जाता था यातायात के साधनों में। तो बहुत कम जगह पर लोग जो है जा पाते थे और बहुत कम जगह की जानकारी हो पाती थी। लेकिन आजकल जैसे मान लीजिए तीव्र गति के परिवहन के साधन है तो पूरा वर्ल्ड जो है एक गांव के बराबर लगने लगा है, बहुत छोटा लगने लगा है। हम बड़ी तीव्र गति से जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकते हैं। और परिवहन का विकास संचार साधनों के विकास की सहायता से संभव होता है। परिवहन और संचार जीवन को बहुत ही आरामदायक और समृद्ध बनाते हैं। इन दोनों के बिना जो है कल्पना नहीं की जा सकती किसकी, जीवन को चलाने की। अगर ये जो है हमारी ज़िंदगी में तीव्रगामी संचार के साधन नहीं होंगे तो हमारा आर्थिक विकास नहीं होगा। इसीलिए कहा गया है अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं इनको। अब ये जो आप बहुत सारे विविध तरह के जो है ट्रांसपोर्ट के साधन देख रहे हैं इसमें और संचार के साधन भी देख रहे हैं, तो अब हम इसमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कि संचार के साधन के क्या हैं, उनके क्या प्रकार हैं वो पढ़ेंगे। तो पहला है लैंड यानी कि स्थल, इसमें दिया है रोडवेज, रेलवेज और पाइपलाइंस, तीन भाग हैं इसके, सड़क, रेल तंत्र और पाइपलाइंस। दूसरा है वाटर, तो वाटर के परिवहन के जो साधन है वो है इनलैंड और ओवरसीज यानी कि आंतरिक जल परिवहन और समुद्री जल परिवहन। फिर है एयर यानी कि वायु परिवहन के साधन, डोमेस्टिक एयरवेज, इंटरनेशनल एयरवेज और पब्लिक अंडरटेकिंग। तो डोमेस्टिक यानी घरेलू विमान सेवा जो होती है और इंटरनेशनल एयरवेज यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो विमान सेवाएं होती हैं, और पब्लिक यानी सार्वजनिक जो प्राधिकरण के अंतर्गत होती हैं उसको जो है कहा गया है। तो अब हम इनको एक एक करके सबको समझेंगे कि ट्रांसपोर्ट के जो प्रकार हैं वो क्या हैं और उनकी क्या विशेषताएँ हैं। ट्रांसपोर्ट के विविध साधन जो है होते हैं, तो सबसे पहले हम जो है रोडवेज यानी कि सड़क के बारे में पढ़ेंगे, सड़क परिवहन के बारे में। हमारे देश में ज़्यादातर भागों में सड़क का निर्माण हो गया है। सड़क दो प्रकार की भी हो सकती हैं, कच्ची भी हो सकती हैं पक्की, लेकिन आजकल तो गाँवों में भी जो है पक्की सड़कें बना दी गई हैं। गाँव में जैसे प्रधानमंत्री जो रोज ग्रामीण सड़क योजना है उसके तहत सड़क बनाई गई हैं या वर्ल्ड बैंक के तहत सड़क बनाई गई हैं, पक्की सड़कें बनाई गई हैं। और सड़क परिवहन की क्या विशेषता होती है कि ये बहुत ही लो कॉस्ट में जो है बन जाती है, यानी कि बहुत ही कम खर्च इसमें आता है रेलवेज की या किसी दूसरे की अपेक्षा। और इसके बाद ऊबड़ खाबड़ जगह पे पहाड़ी क्षेत्रों में बनाई जा सकती है। दूसरा, ये घर तक हमें सेवा पहुंचाती है, डोर टू डोर सेवा। मान लीजिए आप कहीं ट्रेन से आए, प्लेन से आए, तो आप एक निश्चित स्थान पर उतर जाएंगे लेकिन आपको अपने घर तक पहुंचने के लिए कोई भी जो है रोड का साधन जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा। टेम्पू है, कार है, बस है, जो भी है, ट्रक है, जिसका भी आप इस्तेमाल करेंगे। अब हम पढ़ेंगे, ये तो हो गई सड़क की विशेषता, सड़क के कौन कौन से प्रकार हैं। तो सबसे पहले है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। तो
तो इसका मतलब है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। ये इस योजना के बारे में ये सोचा गया था कि पूरे इंडिया को एक सड़क कॉरिडोर बना दिया जाए, और जैसे दिल्ली कोलकाता चेन्नई मुंबई और दिल्ली तक जो है एक सड़क बनाई जाए, जिससे पूरा भारत जो है सड़क के माध्यम से जुड़ सके। तो ये मेगा सिटीज़ के लिए जो है बनाई गई थी, जैसे दिल्ली से कोलकाता, पहले कोलकाता से फिर चेन्नई, चेन्नई से मुंबई और मुंबई से दिल्ली, तो चारों दिशाओं को जोड़ने वाली ये जो है रोड होगी। और इस तरह की योजना अभी पूरा नहीं हुई है, लेकिन इस तरह की योजना के बारे में सोचा गया है। दूसरा है नेशनल हाईवेज, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग, जैसे हम कहते हैं जीटी रोड है। तो जीटी रोड जैसे क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1, राष्ट्रीय राजमार्ग 2। हम अक्सर पढ़ते हैं कि सिरसा सूरी ने जो है ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई थी। तो ये जो नेशनल हाईवेज हैं, ये क्या है, हम देश का जो है ये प्राथमिक सड़क तंत्र है, और ये केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी CPWD के द्वारा बनवाई जाती हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जो है जैसे हम दिल्ली से अमृतसर के लिए जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है राष्ट्रीय राजमार्ग 1, इनको जो है संख्या के आधार पर जाना जाता है, और ये काफ़ी लंबी चौड़ी सुविधाजनक जो है होती हैं। दूसरा है स्टेट हाईवेज, यानी कि राज्य राजमार्ग, ये जो हैं राज्य की राजधानी से जिला मुख्यालय को जोड़ती हैं, स्टेट कैपिटल को जो है डिफरेंट जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं उससे जो है जोड़ती हैं, और इसको जो है PWD के द्वारा, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया जाता है। इसके बाद है डिस्ट्रिक्ट रोड। डिस्ट्रिक्ट रोड क्या होती हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड जो है ज़िले के प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं, और ये किसके द्वारा मेंटेन की जाती हैं, जिला परिषद के द्वारा मेंटेन की जाती हैं। और बॉर्डर रोड्स यानी कि सीमांत रोड, ये बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, इनका इस्तेमाल जो है सेना के लिए किया जाता है। मान लीजिए बॉर्डर पर क्या है कि सेना कोई युद्ध है या किसी भी तरह से कुछ हो रहा है, तो सेना अपने इस्तेमाल में जाने के लिए इन रोडों का इस्तेमाल करती है, अपनी गाड़ियां ले जाने के लिए। बॉर्डर में और भी इस्तेमाल होता है इन रोडों का, तो ज़्यादातर ये जो है सैनिक पर्पज़ से बनाई जाती हैं। और 1960 में संगठन बना था, तब से जो है ये सड़कें बनाई जाने लगी, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं सुरक्षा की दृष्टि से। और इसके बाद मैंने आपको बताया कि कच्ची पक्की दोनों तरह की रोड हो सकती हैं। इसके बाद और भी रोड होती हैं, जैसे विलेज में रोड होती हैं, टाउन में, सिटीज़ में होती हैं। तो खेतों तक जाने के लिए, आप देखें गांव से खेत तक जाने के लिए भी रोड होती हैं, तो ऐसी भी रोड होती हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपको थोड़ी अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए। तो रोड बहुत महत्वपूर्ण है, और इनका हमारे जीवन में काफ़ी महत्व है। इसके बाद आता है रेलवेज, यानी कि रेल परिवहन के साधन। आप मानचित्र में देख सकते हैं कि भारत में किस तरह से जो है रेल परिवहन का जाल बिछा हुआ है, और इंडिया के ज़्यादातर इलाकों में जो है ट्रेन की सुविधा उपलब्ध है। कुछ ही पहाड़ी या कुछ ऐसे दुर्गम स्थान हैं जहाँ पे जो है ट्रेन नहीं पहुँच पाई है। तो अब जैसे मान लीजिए कई सारे प्रखंडों में बांटा गया है रेलवे को चलाने की सुविधा की दृष्टि से, और रेलवे को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो है भू आकृति है, आर्थिक व प्रशासनिक, बहुत सारे कारक हैं। अब बहुत सारे ऐसे भी दुर्गम क्षेत्रों में बनाई गई है, जैसे पश्चिमी तट पर कोंकण रेलवे बनाई गई है, तो बहुत ही दुर्गम रास्ता है ये, और उसको मेंटेन भी करके रखना पड़ता है। कई जो है दुर्गम जगहों से ये ट्रेन जो है गुजरती है। अब ट्रेन के साथ में कुछ परेशानियां भी आती हैं, जैसे ट्रेन एक तो जो है जहां भू आकृतिक ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसी है, पहाड़ हैं, दुर्गम क्षेत्र हैं, वहां बनाना संभव नहीं है। लेकिन कई बार क्या है कि लोग चेन खींच देते हैं,
सामान चोरी कर लेते हैं ट्रेन से, पटरियाँ उखाड़ देते हैं, तो ये रेलवे के सामने बहुत समस्याएं आती हैं। मान लीजिए ट्रेन की चैन खींच रही है बिना बात, तो क्या होगा, ट्रेन के परिचालन में उसकी जो है बहुत दिक्कत होगी, समय बर्बाद होगा, ट्रेन लेट होगी और दूसरी ट्रेनों पर भी प्रभाव पड़ेगा। जबकि ट्रेन का टाइम टेबल बनाना एक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि भारत में बहुत बड़ी मात्रा में ट्रेन नेटवर्क है और बहुत सारी ट्रेनें चलती हैं। अच्छा, इसके लाभ क्या हैं? एक तो ये सस्ती बहुत होती है और बहुत आरामदायक होती है। आप जो है आराम से लंबी दूरी का रास्ता कई घंटों में तय करते हैं, तो आप लेट के भी जा सकते हैं। दूसरी सुविधा भी होती है, खाने की सुविधा भी होती है, टॉयलेट की सुविधा भी होती है, और एसी भी होते हैं, तरह तरह की सुविधाएं होती हैं, तो बहुत आरामदायक होती है ट्रेन, और जिसमें हम जो है सफ़र कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ट्रेन हमारे जीवन का अभिन्न अंग है और हमें जो है बहुत सुविधा ये पहुंचाती है। ये इसकी जो है विशेषताएं हैं। मालगाड़ियां चलती हैं, मालगाड़ी में क्या है कि बहुत सारा सामान जो है हम एक साथ जो है ट्रेन के माध्यम से पहुंचा सकते हैं, ये ट्रेन की विशेषता है। अब तीसरा है पाइपलाइंस। पाइपलाइंस क्या है कि जैसे मान लीजिए पेट्रोलियम पदार्थ है या प्राकृतिक गैसेस हैं, उनको लाने ले जाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत पाइपलाइन एक बार बनाना जो है महंगा पड़ता है, लेकिन फिर बाद में जो है यातायात उसका सस्ता पड़ता है, और जाम जैसी समस्या से और ज़्यादा पैसे खर्च होने जैसी समस्या से बचा जाता है। तो कई सारी पाइपलाइन जो है बनाई गई हैं, जैसे असम के तेल क्षेत्र से जो है गुवाहाटी, बरौनी, इलाहाबाद, कानपुर की पाइपलाइन है, फिर इसी को डिवाइड कर दिया गया है बरौनी से राजबंध के लिए, राजबंध से मोरी के लिए, गुवाहाटी से सिलीगुड़ी के लिए। दूसरी पाइपलाइन है गुजरात में सलाया से बीरमगांव तक, और इसके बाद मथुरा, दिल्ली, सोनीपत, जालंधर इसको जोड़ती है। तीसरी है गुजरात में हजीरा को उत्तर प्रदेश जगदीशपुर से जो है जोड़ती है। तो पाइपलाइन के माध्यम से ये लिक्विड तरल पदार्थ या प्राकृतिक गैस जो है ये आसानी से जो कच्चा तेल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उनको जो है आराम से पहुंचाया जा सकता है। तो ये जो है बहुत सरल तरीका होता है। अब ये पाइपलाइन का आप चित्र देख सकते हैं किस तरह से है। इसको भी लोग अगर नुकसान पहुंचाएंगे तो क्या होगा, अगर रिसाव होगा तो पर्यावरण को क्षति पहुंचेगी, इसलिए ऐसी चीज़ों को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ना रेलवे को, ना पाइपलाइन को, ना सड़क के कोई साधन है उनको। अब है वाटरवेज यानी कि जलमार्ग। तो देखिए बच्चों, जल कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए कहीं समुद्री रास्ता है और या देश के अंदर ही कई स्थान ऐसे होते हैं कि हम उसको जल के माध्यम से ही जा सकते हैं। हमारे ब्रह्मपुत्र नदी है, वहाँ पे कई स्थान ऐसे हैं कि आप किसी दूसरी चीज़ से पहुँच ही नहीं सकते, वहाँ छोटे छोटे द्वीप बने हैं। और इसके बाद जैसे मान लीजिए कुछ देश ऐसे हैं कि आप स्थल मार्ग से नहीं पहुँच सकते, तो अगर ज़्यादा सामान पहुँचाना है तो हम जो पानी के जहाज़ होते हैं बड़े, उनसे पहुँचाते हैं। लेकिन ये राष्ट्रीय मतलब इंटरनल और इंटरनेशनल दोनों होते हैं। तो जैसे इंटरनल क्या है, हमारे भारत में जो नदियों के माध्यम से जो जलमार्ग बनाए गए हैं उनको एक नंबर दिया गया है, जैसे नौगम में जलमार्ग संख्या 1, ये इलाहाबाद से हल्दिया के मध्य गंगा नदी में है, 1620 किलोमीटर लंबा है। नौगम में जलमार्ग संख्या 2 सदिया व धुबरी के मध्य है, 891 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी में है ये। नौगम में जलमार्ग संख्या 3 कोट्टापुरम से कोल्लम पश्चिमी तटीय नहर 205 किलोमीटर का है। तो ऐसे करके जो है बहुत सारे जलमार्ग बनाए गए हैं, और जलमार्ग की विशेषता ये होती है कि सामान बिना किसी बाधा के पहुंचा दिया जाता है आसानी से, और जाम की भी दिक्कत नहीं होती है। इंटरनेशनल स्तर पर जब हम जलमार्ग की बात करते हैं तो प्रमुख समुद्री पत्तन होते हैं, उनके माध्यम से जो है हम सामान जो है क्या करते हैं पहुंचाते हैं। समुद्री पत्तन होते हैं, बंदरगाह होते हैं, वहाँ पे जो है जो बड़े जहाज़ होते हैं वो क्या है अपना
राशन पानी लेते हैं, यानी कि जो ईंधन है वो लेते हैं, और सामान उतारने चढ़ाने का काम किया जाता है। और भारत में बहुत लंबी समुद्र तट रेखा है, जहाँ पे कि बहुत सारे ऐसे बंदरगाह बनाए गए हैं। कांडला बंदरगाह है, मुंबई है, मारमागाव पत्तन है, न्यू मंगलूर पत्तन है, तूतीकोरन है, कोलकाता है, ये बनाए गए हैं। और यहाँ से जो है बाहर के लिए माल सप्लाई होना, बाहर से देश के अंदर आना, ऐसी चीज़ें जो हैं की जाती, इसके माध्यम से की जाती हैं। तो ये वाटरवेज हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये ओवरसीज शिपिंग इसमें दे रखा है। तो ये हमारे जीवन के लिए सभी जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। पानी के जहाज़ की यात्राएं जो हैं कई बार जो है मनोरंजन के लिए भी की जाती हैं, घूमने के लिए भी कई जगह पे की जाती हैं, और लोग जो है घूमते भी हैं। तो ये मेजर पोर्ट और इंटरनेशनल एयरवेज हैं, ये इसमें मैप में दर्शाए गए हैं कि कौन कौन से पोर्ट हैं और कौन कौन से जो है एयरवेज हैं। तो ये अच्छा एयरवेज, अब जैसे मान लीजिए एयरवेज है तीसरा माध्यम है, यानी कि वायु परिवहन का साधन। तो इसमें वायु परिवहन के साधन में ये क्या है, महंगा होता है वैसे, लेकिन इसकी एक विशेषता होती है, महंगा होने के साथ साथ ये बहुत जल्दी बहुत दूरी को कम समय में तय कर देता है। आप किसी भी दूर स्थान पर बहुत जल्दी आप जो है पहुंच सकते हैं, कई सौ किलोमीटर की यात्रा आप बहुत जल्दी तय कर सकते हैं। सड़क मार्ग या वायु पानी के माध्यम से आप इतनी जल्दी तय नहीं कर सकते हैं। तो ये इंटरनल यानी कि घरेलू डोमेस्टिक दोनों तरह के होते हैं, डोमेस्टिक एयरवेज भी होते हैं और इंटरनेशनल भी होते हैं। तो डोमेस्टिक जो है देश के अंदर आने जाने का काम करते हैं और यातायात का, और जो इंटरनेशनल है वो दूसरे देशों से संपर्क स्थापित करते हैं। अब इसमें जो है एक हवाई जहाज जिसको आप प्लेन कहते हैं, दूसरा हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय सरकार ने कई जगह पे जो है जो हेलीकॉप्टर सेवा है उनको जो है कम कॉस्ट में रखा हुआ है, जो बहुत ही दुर्गम या पहाड़ी इलाके हैं। इसके बाद सेना के लिए बहुत सारी जैसे सियाचिन ग्लेशियर है वहाँ पे जो सामान पहुँचाया जाता है हेलीकॉप्टर के माध्यम से, या जो नौसेना के हेलीकॉप्टर होते हैं उनके वायुसेना के उनके माध्यम से जो है पहुँचाया जाता है। तो ये जो है दोनों ही दृष्टि से, यातायात और सुरक्षा की दृष्टि से बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो ये एयरवेज हो गए, और ये आजकल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आवश्यक साधन है। लेकिन इसकी कमी ये है कि बहुत सारे जो माउंटेन्स हैं या फॉरेस्ट एरिया हैं, डेजर्ट है, ऐसे कई जगह पे ये जो है नहीं जा सकते हैं, उन स्थानों पर जाने में जो है इनको जो है प्रॉब्लम होती है। लेकिन फिर भी ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है यातायात की दृष्टि से। और ये तीन तरह के साधन थे जो है हमारे यातायात के। और इसमें देखिए दे रखा है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मैंगलोर, अमृतसर, हैदराबाद, अहमदाबाद, पणजी, गुवाहाटी, कोच्ची, ये एयरपोर्ट हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एयरपोर्ट हैं, ये इंडिया के बहुत महत्वपूर्ण और बड़े एयरपोर्ट हैं जहाँ से आप जो है प्लेन से यात्रा कर सकते हैं। तो देयर आर 63 डोमेस्टिक एयरपोर्ट इन इंडिया। इंडिया में 63 डोमेस्टिक एयरपोर्ट हैं, एक लगभग 63 हैं, और जो इसको मैनेज करती है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको जो है मैनेज करती है। तो ये जो है कम्युनिकेशन यानी कि संचार के साधन, जैसे यातायात के साधन है ऐसे ही संचार के साधन बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें ईमेल, इंटरनेट, फ़ोन, ये सारी चीज़ें, फैक्स है, और ये सब चीज़ें क्या है इसमें शामिल होती हैं, और ये सूचना पहुंचाने का महत्वपूर्ण साधन है। अब जैसे आजकल जो है, पहले ये साधन बहुत तीव्रगामी नहीं थे, लेकिन आजकल ये साधन बहुत तीव्रगामी हो गए हैं।
आप घर बैठे जो है इंटरनेट से, ईमेल के जरिए, फ़ोन के जरिए बात कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप जो है कोई सूचना पहुँचा सकते हैं सेकंडों में कहीं भी। और इसके बाद कई बार हम पैसा पेमेंट भी कर देते हैं, व्यापार भी करते हैं, तो इन्हीं के माध्यम से जो है हम करते हैं। तो ये बहुत सारी जो भी संचार के साधन हैं, चाहे वो बहुत मॉडर्न है या पहले के हैं, वो बहुत जो है न्यूज़पेपर हुआ, जो भी चीज़ है और बैनर्स है, पैम्फलेट है, सभी का अपना जो है अलग अलग महत्व है। इंटरनेट, फैक्स, ये सब आजकल जो है मोबाइल या इंटरनेट के बिना जो है जीवन संभव नहीं है। तो संचार के साधन भी जो है कम्युनिकेशन करने के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है और हमारी ज़िंदगी का अभिन्न अंग है। तो ये हमारा चैप्टर है और इसमें एक चीज़ और है, ट्रेड। तो ट्रेड यानी व्यापार। व्यापार देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और व्यापार के द्वारा जो है आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। कई बार जो है जैसे हमारे देश में टूरिस्ट स्थल होते हैं तो वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, उससे भी जो है हमारी इकोनॉमी को बहुत फ़ायदा होता है। और ये सारी चीज़ें हमारे जीवन के लिए अभिन्न अंग है और हमारे देश की आर्थिक स्थिति को समृद्ध बनाती हैं।